गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 28, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से कुछ नए और थोड़े से पुराने टॉपिक लेके आया हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा पीएमएलए के बारे में, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक्चुअली ये टॉपिक हमारा ईडी के बारे में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हो सकता है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्टिलिटी लेवल के बारे में, जिसे TFR भी कहा जाता है। TFR क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। इंडिया में जो फर्टिलिटी कम हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके रीजंस क्या क्या हैं और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स चला रखे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग इस आर्टिकल में। FRA यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उड़ीसा में जो है काफी रेडिकल स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं, बहुत बढ़िया स्टेप है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं, राइट्स आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, हालांकि रिपीटेड है, लास्ट वीक भी हम लोगों ने इसको किया था। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे बेसिकली एक ऐसा सर्वे है जिसको 2017 और 2018 के बाद से हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो सरकार इस सर्वे को दोबारा से लॉन्च करना चाहती है। सर्वे क्या है, इसमें क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका आउटकम क्या होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करती है, उसके बारे में बात करेंगे इस आर्टिकल में। फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे, एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है। वैसे तो इसमें कोई ऐसी कुछ नई खास चीज नहीं है जो आपको नहीं पता है। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं तो मोस्टली चीजें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे कि किस तरह से हमारे देश में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेडरलिज्म का करेक्टर चेंज हुआ है, फेडरलिज्म क्या होता है, स्टेट्स के राइट कैसे होते हैं, किस तरह से वो चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, और अगर समय रहा तो एक आर्टिकल हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का भी है। कौन सा आर्टिकल है अभी बताऊंगा नहीं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, समय लगेगा तो जरूर करेंगे। देन वी हैव सम एमसीक्यूज आल्सो और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी करने वाले हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या पूरा रहेगा मामला। पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं सीधा सीधा। पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स पावर ऑफ अरेस्ट रेट्स अंडर PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह बोलना चाहूंगा, पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइक करो चलो जल्दी से। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा सा मतलब होता है भैया, जब आप अपने काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करते हो, यानी कि जब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो। ये ब्लैक मनी कैसे जनरेट की जाती है, थ्रू इलीगल मींस। ठीक है, कोई स्कैम आपने कर दिया, काउंटरफिट करेंसी हो गई, कुछ भी हो गया है ना, बेनामी प्रॉपर्टी हो गया, उसे वो ब्लैक मनी जनरेट होती है। जैसे मनी इवेजन जो है हमारे पास जो टैक्स इवेजन होता है ना, एक बार एक हमारे पास टैक्स अवॉइडेंस होता है, एक टैक्स इवेजन होता है। तो बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, है ना, सरकार को बताते ही नहीं है कि कितनी इनकम होती है, बिल जनरेट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ब्लैक मनी को जनरेट करने के। जब इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने पुराने मैले कपड़े होते हैं उसको मशीन में डालते हैं, लॉन्ड्रिंग करते हैं, धोके वो बाहर आके साफ सुथरे हो जाते हैं, ऐसे ही तो होता है ना। तो वही होता है, सफेद कपड़े जो हमारे होते हैं काले कपड़े से सफेद कपड़े में कन्वर्ट होना, मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये डेफिनेटली इसमें बहुत सारा करप्शन इन्वॉल्व होता है ना, तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास कानून है PMLA। ठीक है, PMLA ये तो हो गया कानून। अब इस PMLA के अंदर जो भी प्रोविजन होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो एजेंसी है उसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, ईडी जिसको कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, ईडी के बारे में आपको पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है ये, पहले हम इसको 10 बार कर चुके हैं, इसलिए बार बार करवाने का कोई फायदा नहीं है, है ना। ये कब इशू हुआ था, इस पहले इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था, फिर बाद में 1957 में इसका नाम चेंज करके ईडी हम लोगों ने इसका कर दिया। पहले ये दूसरे डिपार्टमेंट के अंडर हुआ करता था, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर होता है, पहले डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर में हुआ करता था। कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, दो कानून है फेमा और PMLA जिसको ईडी अपने अंडर में कार्रवाई करता है। तो PMLA के बारे में थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हुआ ये, PMLA के अंदर पहले जो कानून हुआ का प्रोविजन थे वो थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, जो 2002 का ओरिजिनल कानून था PMLA का, इसमें 2019 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया, चेंजेस कर दिए, और इसके तहत हम लोगों ने ईडी को और PMLA के तहत जो हम लोगों ने चेंजेस किए, ईडी को काफी ज्यादा पावर हम लोगों ने दे दिया। पावर कौन सी थी, ईडी जो है वो PMLA के प्रोविजंस का यूज करके किसी भी इंसान के घर पे छापा मार सकती है।
उसके घर पे रेड कर सकती है। सिर्फ रेड ही नहीं कर सकती, उसको अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है, अरेस्ट कर सकती है, रेड कर सकती है और बिना वारंट के उसको, मतलब बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि पीएमएलए के तहत जो ये प्रोविजन है, जो आप क्राइम करते हो वो कॉग्निजेबल होता है और वो नॉन बेलेबल होता है भैया। अगर पीएमएलए में आप पकड़े गए तो आपको बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, आप ये समझ लीजिए, और बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर दिया जाता है बिकॉज ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, ताकि करप्शन को टैकल किया जा सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहां पे एक चीज आपको और देखने वाली है कि अगर कोई आदमी पीएमएलए के तहत पकड़ा जाता है तो अभी बर्डन किसके ऊपर होगा अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करने का, वो एजेंसी के ऊपर नहीं है, वो आपके ऊपर है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि माई बाप ये जो मनी जनरेट हुई है वो ब्लैक नहीं है, वाइट है। जैसे अभी आजकल क्या चल रहा है, दो तीन बहुत आजकल तो ईडी कोई ऐसा दिन होगा नहीं जो ईडी न्यूज में नहीं रहता हो, है ना, किसी ना किसी के यहाँ पे रेड पड़ती रहती है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल का केस आया, वहां के मिनिस्टर साहब थे, कितना बड़ा टीचर भर्ती घोटाला हुआ, है ना, करोड़ों रुपए जो है मिल रहे हैं वहां पे। सोनिया गांधी जी तक को जो है ईडी के वहां पे समन दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ईडी। तो अगर एक बार ईडी के तहत आप गिरफ्तार हो जाते हो और पीएमएलए आपके ऊपर लग जाता है तो आपको बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो आदमी गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर ये बर्डन होता है कि वो अपने आप को प्रूफ करे कि भैया आप इनोसेंट हो, ठीक है। एजेंसी के ऊपर बर्डन नहीं है, आपके ऊपर बर्डन है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। प्रूफ ऑफ बर्डन ऑफ इनोसेंस इज ऑन द अक्यूज्ड, नॉट ऑन द प्रोसिक्यूशन, याद रहेगा आपको ये, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये तो सारी चीजें हो गई। अब कुछ लोगों का ये मानना है, अपोजिशन का जो है डेफिनेटली, वो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है इसको मिसयूज कर रही है, किसी को भी अरेस्ट कर लेती है, किसी घर पे छापा मार देती है, हरास कर रही है, है ना, जेल में डाल रही है। तो ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया कि सरकार इसको एक्चुअली पॉलिटिकल राइवलरी के लिए कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीएमएलए के तहत रेड वगैरह की जाती है, अरेस्ट किया जाता है, वो पूरी तरह से कानूनी है, ठीक है। तो अगर आप करप्शन कर रहे हो तो तभी तो आपको पकड़ रहे हैं ना भैया, तो किसी ना किसी एजेंसी के ऊपर तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। तो अब आपके पास जो है करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि वो पॉलिटिकल वेंडेंटा है। देखिए हो भी सकता है, और कल को जब सरकारें चेंज होंगी तो डेफिनेटली इन्हीं कानून का यूज वो सरकारें भी करती हैं, तो ये तो हमेशा से होता ही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया ये पूरी तरह से सही है, इसके अंदर जो भी प्रोविजन है हम उसको इलीगल डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से कानून के तहत है, ठीक है। तो सेक्शन 45 और सेक्शन 4, सेक्शन 4 कहता है कॉग्निजिबल ऑफेंस है, सेक्शन 45 कहता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी, ना ही एंटीसिपेटरी मिल मिलेगी, एंड मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का वो सारा का सारा मामला है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंटेंट मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया है, आप थोड़ा सेल्फ स्टडीज को डेफिनेटली कर सकते हो, तो ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कल हम लोगों ने 3 आपसे सवाल पूछे थे एमसीक्यू, जिसका आंसर आपके सामने है। तो एडवोकेट जो जनरल होते हैं डेफिनेटली वो स्टेट के सबसे बड़े लो ऑफिसर होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, ठीक है। और क्या कौन कौन सी ड्यूटी होती है इनकी, ऑलरेडी हम लोगों ने कल इसके बारे में बात किया था। वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लीगल एडवाइजर होते हैं, एडवोकेट जनरल, ठीक है। और कोई भी अगर ड्यूटी करनी होती है गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो एडवोकेट जनरल के द्वारा ही की जाती है। किसी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर अपीयर होना है, वहां पे जाना है, हाजिरी लगानी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो भी उनके द्वारा ही लगाई जाती है। तो इसलिए सारे फंक्शन इसके करेक्ट हो जाते हैं। एडवोकेट जनरल कैन बी रीअपॉइंटेड, यस ही कैन टेक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, यस ही कैन डिफेंड क्रिमिनल्स, बट विद द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे के सारे फंक्शन इसके यहाँ पे ही हो जाते हैं। दोस्तों सेकंड हमारे पास जो आर्टिकल है वो कहता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए फर्टिलिटी का मतलब होता है कि इट इज ए सिंपल टर्म जिसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न और लाइकली टू बी बोर्न। देखिए बोर्न और लाइकली टू बी बोर्न तो अलग अलग चीजें हैं। वो वुमन इन हर लाइफ टाइम, मतलब एक औरत कितने बच्चे पैदा कर रही है या कितने बच्चे पैदा कर सकती है, लाइकली टू बी बोर्न मतलब कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं उसकी एक लाइफ टाइम में, उसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो कितने बच्चे पैदा करती है, कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से भी नीचे जा चुकी है, 2.0 हो चुकी है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स,
और 2.1 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, मतलब अगर किसी देश की, किसी रीजन की अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाती है, इसका मतलब वहां की पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, उस पॉपुलेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो विद अ न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे दो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो इनको इनके दो बच्चे ही रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, आगे इनके भी दो बच्चे होंगे तो वो उनको रिप्लेस करेंगे, पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, ये मतलब होता है इस रिप्लेसमेंट लेवल का। अब इसके अंदर ये 1.2.1 क्या होता है, है ना, हम तो दो बोलना चाहिए ना, मम्मी पापा होंगे, उनके दो बच्चे होंगे, बहन भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, लेकिन 0.1 क्या है? देखिए 100% तो नहीं होता, कुछ बच्चों की डेथ भी हो जाती है, मोर्टिलिटी रेट भी होती है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी होती है, तो 100% अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम लोगों ने 0.1 इसके अंदर ऐड किया होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में इस समय अर्बन एरिया में 1.6 चल रही है, रूरल एरिया में 2.1 चल रही है, दोनों का एवरेज निकालते हैं तो 2.0 के आसपास आता है। 1950s में यही टोटल फर्टिलिटी रेट 6 हुआ करती थी, मतलब एक औरत जो है ऑन एन एवरेज 6 बच्चे पैदा करती थी, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कम हो रहा है, औरतें कम बच्चे पैदा कर रही हैं, है ना, जो हमारा बर्थ रेट है वो भी कंट्रोल हो रहा है, फर्टिलिटी रेट भी कम हो रही है, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, एजुकेशन मिल रही है, उनकी मैरिजेबल एज जो है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, फैमिली प्लानिंग हम लोग प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव की जो एक्सेस थी वो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, अभी कॉन्ट्रासेप्टिव की एक्सेस बढ़ गई है, पहले वो 54% थी, अभी 67% हो गई है, फ्यूचर में जब ये और ज्यादा एक्सेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली फर्टिलिटी रेट और भी कम आएगा। बच्चों के बीच में गैप रखा जाने लगा है, वेज कंपनसेशन सिस्टम हम लोगों ने चलाया है, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार इस तरह के स्लोगन हम लोग चलाते हैं, वो सारी सारी चीजें, फिर गवर्नमेंट ने एफर्ट भी लिए हैं बहुत सारे, है ना। इंडिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री था जिसने नेशनल लेवल के ऊपर जो है फैमिली प्रोग्राम प्लानिंग चलाया था, पहला कंट्री था दुनिया का। तो लगातार हम लोग इस तरह की चीजें करते रहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर एडवर्टीजमेंट आती हैं, हम दो हमारे दो, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, सेलिब्रिटीज वगैरह को भी टाइम टू टाइम हम लोग उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। उसके अलावा कई सारे इनिशिएटिव जो सरकार ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2019 की अपनी स्पीच में, इंडिपेंडेंस जो स्पीच हुई थी उसमें भी ये बोला था कि जो है पॉपुलेशन कंट्रोल वॉज अ फॉर्म ऑफ पैट्रियटिज्म, ये भी देशभक्ति दिखाने का जरिया होता है, तरीका होता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, इसलिए कम बच्चे पैदा करिए, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके अलावा हमारे पास मिशन परिवार विकास भी है, 2017 में इसको हम लोगों ने चलाया था, और इसमें सारे देश को टारगेट नहीं किया था, 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया था जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट 3 या 3 से ज्यादा था। ठीक है, तो वो चीजें हैं। नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम NFPIS हम लोगों ने 2005 में चलाया था, जिस केस में जो स्टीरिलाइजेशन करवाई जाती है, अगर स्टीरिलाइजेशन के दौरान किसी की डेथ हो जाती है या और दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, उनको मॉनेटरी हेल्प करना रहता है। ठीक है, उसके अलावा का हमारे पास जो है कंपनसेशन स्कीम फॉर द स्टीरिलाइजेशन एक्सेप्टर्स भी है, तो जैसे मान लो कोई स्टीरिलाइजेशन करवाने जाता है हॉस्पिटल में और उसकी वजह से उसको हफ्ते 10 दिन के लिए अगर उसको छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है ना, उसका जो वेज लॉस हुआ है, तो ये कुछ कुछ स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे उठाए हैं। बाकी फैमिली हेल्थ सर्वे और वो बाकी तो स्कीम्स दूसरी हैं ही, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है, सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा कंटेंट है, इसको थोड़ा आप सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो कहता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वेल बिगन रेडी फॉर द लॉन्ग रन। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वैसे हमारे पास काफी पुराना एक्ट है, लेकिन इसके अंदर जितने भी प्रोविजंस थे वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे। अभी ओडिशा दुनिया का, मतलब इंडिया का ओडिशा पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कहा है कि 2044 तक हम लोग फॉरेस्ट राइट्स के अंदर जितने भी प्रोविजन हैं उन सबको इंप्लीमेंट करेंगे। 2044 है और ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर इतना दिक्कत क्यों आती है इसमें, है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उनको मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स उनको मिलना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता है ना। पहली बात उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन लोग वहां पे हिस्टोरिकली रहते हैं, कौन लोग पिछले 10 साल में आए हैं, कौन पिछले 50 साल में आए हैं, आइडेंटिफिकेशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फॉरेस्ट की जो लैंड होती है अगर आप उसको किसी को दे देते हो, ठीक है, तो वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। एक हमारी चीज यहाँ पे डेवलपमेंट भी होती है, खासकर जो आप एक चीज और ध्यान नोटिस करोगे कि इंडिया में जितने भी ट्राइबल मेजोरिटी जो स्टेट्स हैं वहीं पे जो है सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स भी पाए जाते हैं। तो अगर आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करते हो तो फ्यूचर में वहां पे माइनिंग एक्टिविटी करना या कोई और फैक्ट्री वगैरह लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आप उनको राइट्स दे रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन उड़ीसा जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। सिर्फ यही नहीं,
वहां उनके जो लिवलीहुड की गारंटी है और फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको भी हम लोग वहां पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखो अभी तक जो है 7.3 लाख जो केस वहां पे आए हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो गई है, बहुत सारी एक्सेप्ट हो गई है, वो सारी सारी चीजें हैं। तो इसमें ज्यादा जाने का हमें कोई जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में कुछ कुछ चीजें जो है डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए व्हाट आर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो इसमें बेसिकली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर समझते हो, ड्वेल मतलब वहां पे जो रहते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकली जो रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पे पिछले 10 साल से रह रहे हो और आपको जो है भैया वहां पे आपको लैंड दे दी जाएगी, नो, वो नहीं होता है। हिस्टोरिकली आप वहां पे प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए, और वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपकी ग्राम सभा ग्राम पंचायत डिसाइड कर सकती है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन आदमी यहाँ पे कितने साल से रह रहा है, राइट। तो पहली बात तो वो है रिकॉग्निशन ऑफ द कम्युनिटी राइट ओवर द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेजर प्रोडक्ट और एक होते हैं माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट तो ये समझ लीजिए जैसे हमने कोई पेड़ काट दिया, पेड़ अपने आप में ही एक मेजर प्रोडक्ट होता है, वो अलाउड नहीं है, मतलब जंगल वंगल के पेड़ काटना अलाउड नहीं है। लेकिन माइनर प्रोडक्ट्स आपके पास अधिकार हो सकते हैं, माइनर प्रोडक्ट जैसे हनी हो गया है ना, शहद वैद आप वहां से आराम से कलेक्ट कर सकते हो, या फिर टेंडो लीव्स हो गए है ना, इस तरह का कुछ ना कुछ आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं और उसका आप कमर्शियली एक्सप्लोइट भी कर सकते हो, मतलब कमर्शियली उसका बेनिफिट भी उठा सकते हो, राइट। उसके अलावा जो है कन्वर्जन ऑफ द ऑल फॉरेस्ट विलेजेस एंड द हैबिटेशन लोकेटेड इनसाइड द फॉरेस्ट लैंड इनटू द रेवेन्यू विलेजेस, ठीक है। तो वहां के जो विलेजेस वगैरह होंगे वो अपने के लिए खुद थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, टैक्सेशन वगैरह लगा सकते हैं। उसके अलावा जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए पहले आपको ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की परमिशन लेनी पड़ती है। तो कोई भी फ्यूचर में वहां पे प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो ग्राम सभा की परमिशन के बिना उसको नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोविजन यहाँ पे होते हैं, और 4 एकड़ से ज्यादा जमीन आपको बेसिकली यहाँ पे नहीं मिल सकती, तो और कोई नया लैंड आपको नहीं मिलेगा, जो पुराने लैंड आप कर रहे हो खेती बाड़ी उसके ऊपर कर रहे हो वही आपको वहां पे मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रोविजन यहाँ पे डेफिनेटली आप उसको भी पढ़ सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। लेकिन खास ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उड़ीसा हमारे कंट्री का पहला स्टेट बन चुका है, तो न्यूज में है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएट्स वर्क ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे। देखिए लास्ट जो हमारे पास सर्वे हुआ था प्रॉपरली, जिसका डेटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, वो हुआ था 2011-12 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला जो सर्वे किया गया था वो किया गया था 2017-18 के अंदर, लेकिन सरकार ने इसके डेटा को रिलीज ही नहीं किया। ये कह दिया सरकार ने कि उसके अंदर डेटा क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी एरर्स हैं, क्योंकि और फिर बाद में लीक हो गया। देखिए ऑफिशियली सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन लीक हो गया, और इससे ये पता चला कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 45 ईयर्स की सबसे टॉप पे है। खैर वो एक अलग बात है। तो भैया सरकार ने क्या किया, इसको बंद कर दिया। बहुत समय से सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा था कि आप इस सर्वे को दोबारा करवाइए। इस सर्वे का नाम होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं घरों घरों में जाके सर्वे किया जाता है कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन सी चीजें वो कंज्यूम करते हैं, कौन से गुड्स कौन सी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। उसके बेसिस पे ये अंदाजा लगाया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है कि भैया पहली बात तो इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है, दूसरी बात लोगों की कैसी हैबिट्स हैं, लोगों के कैसे बिहेवियर्स हैं, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उनके कंजप्शन पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, वो सब यहाँ पे चेक कर ली जाती है थ्रू दिस सर्वे। तो काफी इंपॉर्टेंट सर्वे होता है, 5 साल में किया जाता था पहले, अभी तो देखा जाएगा आगे क्या होगा, 5 साल में किया जाता था। कौन करता था, NSSO, अभी NSSO खत्म कर दिया हम लोगों ने, अभी तो NSSO को और CSO को मर्ज करके हम लोगों ने NSO बना दिया है। तो इस बार सर्वे कौन करने वाला है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता था। तो स्पेंडिंग पैटर्न को हम लोग जो है कलेक्ट करते थे, इन्फॉर्मेशन को, वो सारी सारी चीजें हैं। नॉन फूड और फूड दोनों आइटम हम लोग यहाँ पे कंसिडर किया जाता था, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, GDP का डेटा हम लोग इंक्लूड करते थे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती थी। तो सरकार ने अभी ये डिसाइड कर लिया है कि जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे है इसको हम लोग दोबारा से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कौन इसको रिलीज करता है, कितने साल में रिलीज होता है, इसका पर्पज क्या होता है, सरकार ने इसको बंद क्यों किया था, वो थोड़ा सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है आर्टिकल उसको हम लोग यहाँ से करेंगे। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आर्टिकल है, और कॉमनवेल्थ गेम इस बार कहाँ पे होने वाले हैं, पहला तो डेटा आपको यही पता होना चाहिए, वो होने वाले हैं बर्मिंघम के अंदर। और बर्मिंघम कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ब्रिटेन के अंदर, है ना। जब हम लोग
मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं, तो बर्मिंगम आपने बहुत बार सुना होगा। बर्मिंगम में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हुआ करती थी। इंडिया से रॉ मटेरियल को यहाँ से निकाल के बर्मिंगम में भेजा जाता था, वहाँ से वही रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके इंडिया में वापस आया करता था, है ना, ये कहानी आपने सुना होगा। तो वही बर्मिंगम है भैया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी कॉमनवेल्थ गेम होंगे। कॉमनवेल्थ मतलब कॉमन वर्ड आपने ध्यान रखना है। तो जो ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी पहले, ये वही कंट्री है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। इंडिया भी तो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, तो इंडिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। हालांकि इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी है कि इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना कॉलोनियल लेगेसी है, ये कॉलोनियल माइंड सेट है, ये इंपीरियलिस्टिक लेगेसी है। तो इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी अपने कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं आए हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि भाई हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम सॉवरेन कंट्री हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो अभी हम लोगों को कॉमनवेल्थ के अंदर क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उस चीज को तोड़ देना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का आर्गुमेंट है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को कॉमनवेल्थ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है, आपका जो ओपिनियन है आप एकदम फ्री माइंड होकर बता सकते हो। कल भी हम लोगों ने कुछ सवाल आपसे पूछे थे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया वहां पे आंसर दिए हैं, एकदम खुल के किया करिए, अपना ओपिनियन शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बर्मिंगम के हम लोग करने वाले हैं, और इसके अंदर जितनी भी कंट्री, मतलब 72 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं, आपको ये पता होना चाहिए। 2.5 बिलियन लोग जो है वो इन 72 कंट्रीज के अंदर में आते हैं। ऑफकोर्स जिसके अंदर सबसे बड़ा तो इंडिया ही है ना, इसमें से आधी तो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर में ही है, तो वो तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, 6500 एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 19 स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे प्रॉपर वाले, और 8 जो है पैरा स्पोर्ट्स, ठीक है। पैरा स्पोर्ट्स मतलब जिसमें दिव्यांग लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो 8 वैसे होंगे और 19 वाले जो रेगुलर रहते हैं वो वाले होने वाले हैं। इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है वो ये वाली, वीमेन के T20 क्रिकेट को भी इंक्लूड किया गया है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। 3x3 बास्केटबॉल को भी इंक्लूड किया गया है, और मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग को भी इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। 3 नए गेम्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए हैं। मेजर बात यह है कि इस बार जो गेम होने वाले हैं वो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल गेम्स होने वाले हैं, ठीक है। मतलब सोलर एनर्जी का यूज करके वो सारी जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। इंडिया जो है 200 एथलीट्स को वहां पे भेजने वाला है अलग अलग स्पोर्ट्स के अंडर में। पिछले जो एडिशन हुआ था उसमें इंडिया ने 66 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे इस बार गड़बड़ भी हो गई हैं। गड़बड़ ये हो गई है कि इस बार जो है शूटिंग का गेम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, और शूटिंग में इंडिया को मेजर मतलब बहुत ज्यादा हम लोग लेके आते थे, ठीक है, मेडल्स लेके आते थे, तो शूटिंग इस बार नहीं है। हालांकि हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने प्रोटेस्ट भी किया था और बायकॉट करने की धमकी भी दिया था कि शूटिंग को इंक्लूड करो नहीं तो हम लोग गेम को बायकॉट कर देंगे। फिर बाद में थोड़ा नेगोशिएशन हुआ, उन्होंने कहा कि चलिए सर हम क्या करते हैं ना चंडीगढ़ में शूटिंग के लिए अलग से रख देते हैं, लेकिन फिर कोविड की वजह से हो नहीं पाया। तो बेसिकली इस बार शूटिंग नहीं है, और 2026 के एडिशन के अंदर जो है रेसलिंग भी नहीं होगा। इस बार तो रेसलिंग है लेकिन अगली बार नहीं होगा, और यहीं पे इंडिया को सबसे ज्यादा मेडल आया करते थे, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार इंडिया को इतने मेडल ना आए क्योंकि शूटिंग इंक्लूड नहीं है, राइट। लेकिन हम लोगों की उम्मीदें कायम है, तो रेसलर्स, वेट लिफ्टर्स, शटलर्स, बॉक्सर्स, पेडलर्स, स्क्वॉश प्लेयर वगैरह हमारे काफी फेमस हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा जो है जैवलिन जो थ्रोवर है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको हो गई है इंजरी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉमनवेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। आज का दोस्तों जो एडिटोरियल सेक्शन वो कहता है द पुअर स्टेट ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म बेसिकली इट्स अ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल पावर एंड द लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। अब ये पावर जो है बहुत बार इक्वल भी शेयरिंग होती है। अब एक्चुअली जहां पे इक्वल शेयरिंग होती है उसी को एग्जैक्टली फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे अमेरिका में है स्टेट और सेंटर के बीच में लगभग इक्वल पावर रहती है, बट इंडिया में हम लोग इक्वल पावर शेयर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्टेट उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं हर मामले में, खासकर फिस्कल के मामले में, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर स्टेट के पास काफी कम होती है। तो इसकी उन्होंने जो शुरुआत की है एडिटोरियल की, बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत की है, अंबेडकर जी के एक स्टेटमेंट से इन्होंने शुरुआत की है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है
उसको पूरी तरह से इंश्योर किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। फंडामेंटल राइट के थ्रू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को 100% इंश्योर किया गया है, जिसमें हम लोग कहते हैं वन वोट वन वैल्यू, मतलब हर आदमी यहाँ पे बराबर है। मुकेश अंबानी से लेके मेरे घर के सामने जो रेडी लगाता है फ्रूट की, सबके पास एक वोट है और उसकी वोट की इक्वल पावर है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो इंश्योर आपने कर दिया, बट व्हाट अबाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड द सोशल डेमोक्रेसी, क्या वो हमारी सोसाइटी में है? नहीं है। हर आदमी इकोनॉमिकली इक्वल नहीं है, और क्या वो सोसाइटी में उसका स्टेटस इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अंबेडकर जी ने ये कहा कि भैया सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं आ सकता। तो अगर आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है, इसको स्टेबल रखना है, तो सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जरूरी है, जिसके हम लोगों ने के लिए क्या बनाया, वैसे डीपीएसपी हम लोगों ने बनाया था, लेकिन ये तो जस्टिफिएबल है नहीं, तो समस्या एक्चुअली यहीं पे शुरू हो गई। फिर जो है नेहरू जी का पॉइंट ऑफ व्यू आता है। नेहरू जी ने जो वो सेंट्रलाइजेशन में बिलीव किया, उन्होंने एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स जितने थे उस समय, एक्चुअली देश की सच्चाई उस समय कुछ और थी ना, स्टेट को बहुत ज्यादा पावर दे नहीं सकते थे, क्योंकि स्टेट्स अलग अलग, डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज्यादा थी, नेशनलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं, है ना, तो सेंटर को ज्यादा पावर देना जो है उस समय बिल्कुल प्रैक्टिकल था। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हम लोग पावर को जो है वो सेंटर्स को इतना ज्यादा नहीं दे सकते, हालांकि वो भी सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम की और रीजनल डिस्पैरिटी उनको रिकॉग्नाइज करते थे, नेहरू जी भी या और उनके जो कैबिनेट में मेंबर हुआ करते थे। तो दोनों यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, अंबेडकर जी का कुछ और कहना है, नेहरू जी का कुछ और कहना है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही सोसाइटी की प्रोग्रेस की बात करते हैं। फिर बाद में जो है अभी जीएसटी आ गया, तो जीएसटी में क्या हुआ, स्टेट्स की जो पावर थी काफी ज्यादा वो लॉस्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने कई सारे रिवेन्यू जो राइट्स थे वो सरेंडर कर दिए स्टेट्स को, वो सारी सारी चीजें हुई। फिर बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल ना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल के अंदर ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेंट्रल स्टेट के बीच में जो रिलेशन थे वो खराब होते जा रहे हैं, स्टेट्स की जो पावर थी वो सेंटर के द्वारा छीन ली जा रही है धीरे धीरे करके, और स्टेट्स बेचारे काफी ज्यादा वीक हो गए हैं, ठीक है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। ये इसके अंदर आर्गुमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। तो आर्गुमेंट को हम लोग बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ आइडियाज हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। तो हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे जो फिस्कल ट्रांसफर मतलब जो पैसे का लेन देन होता था सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो दो तरीके से होता था। पहला होता था प्लानिंग कमीशन, दूसरा होता था फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, प्लानिंग कमीशन जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जिसके अंदर जो है हम लोगों ने रेजुलेशन वगैरह लेके आए थे। तो बाद में भी क्या किया सरकार ने, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया 2014 में जब नई सरकार आई, तो अभी फाइनेंशियल कमीशन के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअली 1991 के बाद जब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, तभी से फाइनेंस कमीशन की पावर थोड़ा कम होना शुरू हो गई थी। देखिए प्लानिंग कमीशन की पावर फाइनेंस कमीशन की नहीं, प्लानिंग कमीशन तब पावरफुल हुआ करता था जब सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करने लगा, तो प्लानिंग कमीशन का वैसे भी रोल काफी कम हो गया था। 2014 आते तक इसका कोई मतलब बचा नहीं था, तो सरकार ने इसको डिसमेंटल कर दिया, है ना, तो वो थोड़ा इन्होंने यहाँ पे बताया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो रिलेशन है वो किस तरह से थोड़ा चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कंसर्न्स एंड हिस्ट्री, हमारा जो फेडरलिज्म है वो किस चीज के ऊपर बिलीव करता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म रादर देन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जब सारे स्टेट अपनी मर्जी से आते हैं, एक जगह बैठते हैं, अपनी पावर का सरेंडर करते हैं खुशी खुशी और फेडरलिज्म चलाते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती उनको एक साथ बैठाया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। तो इनका यही कहना है कि हमारा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है इंडिया की, है ना, वो पार्टीशन के बाद, उससे पहले, उसके बाद में, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म रहा है। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में ऑफकोर्स क्लैश होना बहुत आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट के पास वैसे भी काफी कम पावर है, खासकर फाइनेंशियली। तो अगर हम लोग 1956 की बात करें, उस समय जो एक्सपेंडिचर हुआ करता था बाई स्टेट, ठीक है, वो 69% हुआ करता था, अभी वो घटके सिर्फ 38% रह गया। मतलब 1950s में स्टेट के पास ज्यादा पावर हुआ करती थी खर्चा करने की, अभी वो पावर काफी कम हो गई है, क्योंकि मोस्टली पावर सेंटर के हाथ में चली गई है। सबसे बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे जीएसटी भी बोला, जीएसटी की वजह से कई सारे ऐसे टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, जो अभी जीएसटी के अंदर चले गए हैं, तो उनका रिवेन्यू लॉस तो डेफिनेटली हुआ है। कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे पेट्रोलियम
इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, जो कि जीएसटी के रिजीम से बाहर हैं, बट उसके अलावा नुकसान उनको डेफिनेटली हुआ है। दूसरी बात, अब सेंटर को यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सेंटर क्या लगाती है, सेस लगाती है और सरचार्ज लगाती है। सेस लगाने से, सरचार्ज लगाने से जितना पैसा आता है उसमें स्टेट का कोई पार्टिसिपेट, उसमें स्टेट को बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया जाता, वो पूरे का पूरा जो है वो सेंटर के पास चला जाता है। तो सेंटर तो यहाँ से मौज लूट रही है, सेंटर के पास तो पैसा आ जाता है, स्टेट के पास आता नहीं है। और जीएसटी कंपनसेशन को भी खत्म करने की बात चल रही है, तो थोड़ा बहुत बेचारा जो स्टेट के पास रिवेन्यू आता था वो इसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेंटर कह रही है कि भाई हम आपको कंपनसेशन देंगे नहीं, 5 साल आपके पूरे हो गए हैं, आप अपना हिसाब किताब कर लीजिए। तो वो कुछ कुछ चीजें जो इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है वो डेफिनेटली बढ़ गया है कोविड-19 के टाइम में, तो आपको पता ही है, क्योंकि हेल्थ जो है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इनकम कम होती चली जा रही है, तो आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया। अब यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है, अब सेंटर के पास खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, तो उसके लिए इनको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा। देखिए बोरो तो दोनों को करना पड़ता है, सेंटर को भी करना पड़ता है, स्टेट को भी करना पड़ता है, बट इंटरेस्टिंगली स्टेट जब बोरो करता है आरबीआई से तो उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ता है, जब सेंटर पे बोरो करता है आरबीआई से उसको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो बेचारों की पहली कैपेसिटी खत्म हो गई थी, ऊपर से आप उनसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी ले रहे हो, तो भैया ये तो नाइंसाफी है कि नहीं। और सेंटर स्टेट को देखिए, अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, शुरुआत में क्या होता था, सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो ज्यादा इशू नहीं आया करते थे, लेकिन 1960s में जब तमिलनाडु के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तो उस समय क्लैश होने शुरू हो गए थे। आजकल तो क्लैश वैसे ही होते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टेट्स में एंटी मतलब अपोजिशन है जो कांग्रेस की पावर नहीं है, तो अब तो क्लैश होना डेफिनेटली लाजमी सी बात है। और उस समय तमिलनाडु में जो है एक पीवी राजमन्नार करके कमेटी बनाई गई थी फिस्कल डिवीजन वगैरह को लेके, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेता है, तो वो तो कुछ कुछ चीजें हो गई। अब देखिए सेंट्रल स्टेट के बीच में जो हो रहा था वो हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली हमारे इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में क्या हो रहा है। भैया हमारे देश का जो पुअरेस्ट हाफ है, मतलब जो बॉटम में 50% लोग हैं, वो सिर्फ 6% वेल्थ उनको वो उनके पास है, जबकि जो टॉप 10% है उनके पास हमारी कंट्री का 70% से भी ज्यादा वेल्थ है। मतलब समझते हो, टाटा बिरला अंबानी इस तरह के जो टॉप 10% लोग हैं वो हमारी कंट्री का 75% वेल्थ उनके पास है, और बेचारे जो नीचे वाले 50% है उनके पास सिर्फ 6% है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी देखिए, सेंट्रल स्टेट के बीच में इनइक्वालिटी है, उसके अलावा लोगों में भी इनइक्वालिटी है, सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी है। प्राइवेट वेल्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, प्राइवेट वेल्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। 1980 से लेके 2022 के बीच में इंडिया में जो प्राइवेट वेल्थ है वो भैया 555% इंक्रीज हो गई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर साधारण भाषा में बोलूं, अमीर आदमी भयंकर तरीके से अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, ये हम लोग सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं। इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है भैया, वो वर्ल्ड में सबसे कम कंट्रीज में गिना जाता है, मतलब टैक्स पे करने वाले हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लोएस्ट टैक्स बेस है, बहुत ही गिनी चुनी चीजों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और इंडिया में जो टैक्स लगाया जाता है वो रिग्रेसिव टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए थोड़ा सा आपको बताता चलता हूँ, वैसे तो इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक होता है। टैक्स दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक टैक्स होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्स। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप टैक्स बढ़ते हो, मतलब पुअर आदमी के ऊपर कम टैक्स लगता है, अमीर आदमी के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, क्योंकि अमीर आदमी की इनकम ज्यादा होती है तो उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स वगैरह वो सब। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि पुअर और रिच दोनों के ऊपर बराबर लगता है। अब मान लो आप जो है मार्केट गए, आप जो है जींस खरीद के ले गए, आपने 1000 रुपए का जींस खरीदा, अब मुकेश अंबानी ने भी 1000 रुपए का वही सेम जींस खरीदा, अब उसके ऊपर तो दोनों का इनडायरेक्ट टैक्स बराबर देना पड़ता है, जबकि उसकी इनकम आपसे बहुत ज्यादा है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, अमीर आदमी को रिवॉर्ड दिया जाता है और पुअर आदमी को पनिश किया जाता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में रिच को जो है पनिश किया जाता है, पुअर को रिवॉर्ड दिया जाता है। तो इंडिया में यूजली ज्यादातर जो टैक्स कलेक्शन है बेसिकली वो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, तो पुअर के ऊपर बेचारे के ऊपर ज्यादा मार पड़ रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है।
दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि 1970s में हम लोग जब एग्रीकल्चर बूम होना शुरू हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। फिर बाद में 1990s में जब प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो करना शुरू किया था, उस फिर हम लोगों ने क्या किया, प्रो बिजनेस अपनी अप्रोच को दिखाने के लिए अमीर लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। तो टैक्स एक्चुअली इंडिया में काफी कम लगाया जाता है, ना ही बिजनेसमैन के ऊपर लगाया जाता है और ना ही एग्रीकल्चर के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा टैक्स कलेक्शन काफी कम होता है। और वो सारी सारी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। फिर कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी इंडिया में 56% जो है कलेक्शन करता है, तो ऑफकोर्स अगर रिग्रेसिव टैक्स की हम लोगों ने अभी बात किया। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया पिछले कुछ दिनों में, जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था जो भी कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है, उसको घटा के 35% से 25% कर दिया 2019 के अंदर में। तो ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी थी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे हमारे जो प्राइवेट सेक्टर एसेट्स हैं जैसे एयर इंडिया वगैरह को, वो हम लोगों ने मोनेटाइज उसको कर रहे हैं। तो इससे सारे को क्या फर्क पड़ रहा है, इससे ये सारे ये कहने की एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो स्टेट थे उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल ज्यादा हो गया है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो चलाई जाती है, देखिए वो स्कीम क्या है, स्कीम तो वह सेंटर की है ना, लेकिन खर्चा उसमें कौन करता है, स्टेट करता है। आप ये चीज सोच के देखिए, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें सेंट्रल स्कीम चलाने का क्या मतलब हुआ, एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें भैया सेंटर क्यों स्कीम चला रही है। दूसरी बड़ी बात, जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई जाती है, अब वो सारे के सारे स्टेट्स के लिए एक जैसी चलाई जाती है, जबकि हर स्टेट की कंडीशन डिफरेंट होती है। अब आप तमिलनाडु में और ओडिशा में, बिहार में, पंजाब में एक जैसी एजुकेशन हेल्थ स्कीम तो नहीं चला सकते, क्योंकि हर स्टेट की सिचुएशन अलग अलग होती है। लेकिन सरकार क्या करती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चला के सबको जो है इक्वली ट्रीट करती है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो स्टेट सब्जेक्ट हैं वहां पे सेंटर क्यों इंटरवीन कर रहा है, नहीं करना चाहिए। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बड़ी बात बोली है। और यहीं से जो है तीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, आप उसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये जो रेड कलर का यहाँ पे दिया हुआ ना, ये आंसर नहीं है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना आपने कि आंसर है, ठीक है, आंसर कुछ भी हो सकता है इनमें से। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, पार्ट 7, 8, 10, 12 बताना है आपने। द कमीशन टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वॉज हेडेड बाय सरकारिया संथानाम अशोक मेहता, नन ऑफ दीज, ठीक है, कौन सा आंसर इसमें से होगा। इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन 1990 अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, प्लानिंग कमीशन। ये बता रहा हूं दोबारा से, रेड वाला आंसर यहाँ पे नहीं है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको पॉज करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कमेंट सेक्शन में आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक इंडियन एक्सप्रेस का छोटा सा आर्टिकल है, वही चीता री इंट्रोडक्शन को लेके, पहले इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी बात कर चुके हैं, ठीक है, कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो क्यूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग चीता को लेके आएंगे। तो अगर किसी के पास इंडियन एक्सप्रेस की एक्सेस है न्यूज़पेपर की, तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हो, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगले 10-15 सालों में, 20 सालों में हम लोग चीता की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने वाले हैं, ऑफ कोर्स, है ना, क्या क्या उसके लिए हमारी प्लानिंग रहेगी। नामीबिया से आएंगे, साउथ अफ्रीका से आएंगे, इन दो कंट्री से यहाँ पे आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या रोल था, 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अलाउ कर दिया था, और प्रॉब्लम क्या है चीता को इंट्रोडक्शन करने की। देखिए, ये री इंट्रोडक्शन नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। देखो, री इंट्रोडक्शन तो तब होता है ना जब सेम चीज को दोबारा से इंट्रोड्यूस करते हो, लेकिन हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग अफ्रीकन चीता लेके आ रहे हैं भाई। अगर हम लोग एशियाटिक चीता इंट्रोड्यूस करते फिर तो हम लोग कह सकते थे री इंट्रोडक्शन, लेकिन एशियाटिक अफ्रीकन चीता तो पहली बार आ रहा है ना, इसे इंट्रोडक्शन बोलेंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है चीता को लेके आने में सबसे बड़ी, एक तो चीता जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और जो ब्लैक बक, जो जिसे हम लोग काला हिरण बोलते हैं, जो कि सलमान खान ने भी मार दिया था, ये इसके फेवरेट फूड्स होते हैं। तो अगर चीता को हम लोग लार्ज स्केल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो डेफिनेटली दोनों स्पीसीज को लेकर ये खतरे में आ सकते हैं, जो कि हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हैं और हमारे शेड्यूल वन के अंदर भी हैं। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम तो है, ठीक है, चीता को इंट्रोड्यूस करने में, फ्यूचर में पता चलेगा। अभी तो ये भी देखना है कि चीता यहाँ की लोकल कंडीशन में प्रॉपर तरीके से अडेप्ट करता भी है कि नहीं करता है। लेकिन अगर करता है चीता, तो अगले 15 से 20 सालों में सरकार का ये टारगेट है, 15 से 20 साल के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग 15 से 20 और मैक्सिमम जो बोला है अगले 30 सालों में उसको 50 तक कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में क्या रहेगा, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ये तो दोस्तों आज के पूरे आर्टिकल्स के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हो। आज का जो जबरदस्त कोट है वो ये है, नेवर गिव अप ऑन समथिंग दैट यू कैन नॉट गो अ डे विदाउट थिंकिंग अबाउट।
देखिए वैसे तो इस आदमी को मैं कोई खास पसंद नहीं करता, विंस्टन चर्चिल को, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए, इन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किया पसंद आने वाले। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, कोई चीज आपकी ऐसी होती है ना आपके दिमाग में, आपसे दिमाग से निकल ही नहीं रही है ना, कि आपको IAS बनना है, आपको UPSC क्लियर करना है, अगर आप दिन भर इसी के बारे में सोचते हो तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आप उसको गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में घर कर चुकी है, वो आपका गोल है, आपका एम है, आपका ड्रीम है, तो उसको अचीव करना चाहिए आपको, ठीक है, नहीं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और आपको सोने नहीं देगा, आपकी आपकी नींदें खराब कर देगा। तो इसीलिए जो है मेहनत करो, दिक्कत आएगी, दिक्कत सबको आती है, क्योंकि एम बड़ा है तो दिक्कत आएगी, छोटे एम में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है ना, सड़क किनारे जो है सब्जी की रेडी लगानी है, आइसक्रीम का पार्लर खोलना, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है ज्यादा, जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए चैलेंज है, खुद के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट करो, जो चीजें चाहिए वो करो, मेहनत करो, ठीक है, और कुछ ना कुछ अचीव करो। तो यही था दोस्तों आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय।